शायद आज पूरा भोपाल उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए देखना चाहता है। चेक कीजिए, कोई रेप तो नहीं गया। सर एक बात बताऊं, ये लोग आपसे मिलने नहीं, आपकी तरह मुझसे मिलने आए। चलिए लाइन के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। अग्रवाल जी, मैं लाइन तोड़ने नहीं आया, अपना फॉर्म जमा कराने आया। सर आपका बहुत बड़ा फैन है। एक सेकंड। आगे बुला, उनका टेस्ट पहले लो, एक स्पेशल केस है। सर लेकिन ये जो लोग लाइन में खड़े उनका क्या? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, अगर हम विजय जी का टेस्ट पहले ले ले तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हम तो उन्हीं का टेस्ट देखने के लिए आए सर। थैंक यू सो मच। विजय जी आइए प्लीज, प्लीज कम। धन्यवाद। चलिए आइए, आपका पहले ले लेते हैं, पब्लिक डिमांड है भाई। क्या बात जी, कहाँ है आपकी गाड़ी? आइए आइए। कमाल है, बहुत बढ़िया। कौन सी गाड़ी है? रेंज रोवर। वो हाँ जो भी। अच्छा तो चाहिए, आइए एक्सीलेटर दीजिए। आइए आइए। देखिए गाड़ी तो बहुत कमाल की है लेकिन इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? ओम प्रकाश सब तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी की आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा, अब ये रूल है या मैं मन से बना रहा हूं बताइए? गाड़ी की आवाज का भी वजन कर लिया तुमने? ये बुलेट मोटरसाइकिल नहीं है, रेंज रोवर है, ज्यादा आवाज कैसे कर सकती है ये? अच्छा आपको मेरी जजमेंट पे शक हो रहा है, आप ले जाकर गाड़ी की आवाज का वजन कर लो और मुझे उसका पेपर प्रूफ दिखा दीजिए कि आवाज 80 डेसिबल से कम। हाँ कर दूंगा। ओके ओम प्रकाश प्लीज ये ड्रामा बंद करो। तब प्रेशर तो मेरी बीवी ने कभी नहीं डाला मुझ पर। ओके और कोई गाड़ी है आपके पास? एक मिनट मैं कुछ अरेंज करता हूँ। सर ड्राइविंग स्कूल पप्पे, तुम्हारी गाड़ी फिट है ना? हाँ भाई जी, तो बढ़िया। ओके ड्राइविंग स्कूल की कार ओके है लेकिन मुझे पेपर प्रूफ देखना पड़ेगा कि विजय सर ने ड्राइविंग स्कूल में, पप्पी ड्राइविंग स्कूल में 30 दिन तक ड्राइविंग सीखी है। ये तो रूल है। जी अगर बुरा ना माने तो मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, आप बेचोगे? अरे जनाब बेचना क्या है, आपको तो फ्री दे दूंगा और गाड़ी क्या, आपको तो घर भी दे दूंगा जनाब। नहीं नहीं बेटा, ओवर नहीं करते हैं, घर नहीं बस मुझे गाड़ी चाहिए और फ्री में नहीं चाहिए। बेच दूंगा नवीन जी।